जलने वाले जलते रहे, फिर से बुर्ज खलीफा में छाया बादशाह का नाम। जी हाँ, कल यानी शाहरुख खान के बर्थडे के दिन उनके हेटर्स की ऐसी जली कि अब वो दोबारा फिर से उन्हें ट्रोल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पहले तो मन्नत की रौनक, फिर मन्नत के बाहर फैंस का समंदर, और शाहरुख के हेटर्स की तो बोलती ही बंद हो गए। लेकिन फिर शाहरुख के हेटर्स को जलन तब और हुई जब दुबई के बुर्ज खलीफा पर तीसरी बार शाहरुख खान का नाम और उनकी पिक्चर सामने आई। जी हाँ, 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे था, और इस खास मौके पर जहां मन्नत के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा, वहीं बुर्ज खलीफा किंग खान के रंग में रंग गया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को शाहरुख के नाम से रोशन किया गया। देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके शाहरुख का बर्थडे हर साल उनके फैंस एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। दुनिया भर के फैंस ने जहां शाहरुख को अपने ही अंदाज में बर्थडे विश किया, वहीं उनकी बेटी सुहाना ने भी एक प्यारा पोस्ट लिखा। सुहाना ने अपने पापा शाहरुख के साथ अपने बचपन की एक पुरानी पिक्चर शेयर कर कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे। ऐसे ऐसे भी शाहरुख का बीते साल के बर्थडे सेलिब्रेशन का भी वीडियो सामने आया है। पिछले साल शाहरुख ने दुबई में बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और उस वक्त भी बुर्ज खलीफा को उनके नाम से रोशन किया गया था। ये दिन शाहरुख के लिए बेहद स्पेशल था। वैसे आपको बता दें कि शाहरुख खान इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनका नाम बुर्ज खलीफा पर तीसरी बार छाया है, और यही बात सबूत है कि शाहरुख खान की बादशाहत का क्या आलम है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।